सब्सक्राइब कीजिए टेकमाइंडवर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेकमाइंडवर्ड। व्हाट्सएप के पहले वर्जन में आप सिर्फ लोकल बैकअप ले सकते थे जो ऑटोमेटिक हर दिन रन होता है और फोन पर ही डेटाबेस की एक फाइल सेव हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के सभी मैसेज का बैकअप गूगल ड्राइव पर भी लिया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने मैसेज को हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं और जब भी आप अपने एंड्रॉइड फोन को बदलते हैं या नया फोन लेते हैं तो आप व्हाट्सएप के सभी चैट और मीडिया फाइल को आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं गूगल ड्राइव पर व्हाट्सएप मैसेज और मीडिया फाइल का बैकअप कैसे लेते हैं और बैकअप को कैसे रिस्टोर करते हैं। अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे। इसके बाद मेन्यू पर क्लिक करेंगे, अब सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर व्हाट्सएप सेटिंग पेज खुल गया है। अब यहाँ चैट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ चैट बैकअप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चैट बैकअप ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, बैकअप योर मैसेज एंड मीडिया फाइल टू गूगल ड्राइव, यू कैन रीस्टोर देम व्हेन यू रीस्टोर व्हाट्सएप। यहाँ बताया गया है कि आप अपने मैसेज और मीडिया फाइल का गूगल ड्राइव पर बैकअप ले सकते हैं और जब भी व्हाट्सएप को रीस्टोर करते हैं तो आप अपने मैसेज और मीडिया फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैकअप सेटिंग कर लेते हैं। बैकअप टू गूगल ड्राइव पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप बैकअप के लिए शेड्यूलिंग कर सकते हैं। डेली बैकअप लेना चाहते हैं तो डेली सेलेक्ट कर लेंगे, वीकली बैकअप लेना चाहते हैं तो वीकली सेलेक्ट कर लेंगे और मंथली बैकअप लेना चाहते हैं तो मंथली सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा पहले से मंथली सेलेक्ट है, चलिए मैं डेली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट हैं तो यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहते हैं जब वाईफाई कनेक्ट हो तभी बैकअप स्टार्ट हो तो वाईफाई सेलेक्ट कर लेंगे, और वाईफाई और मोबाइल डेटा से बैकअप स्टार्ट हो तो वाईफाई और सेल्यूलर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप मैसेज के साथ व्हाट्सएप वीडियो का भी बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ इस चेकबॉक्स में टिक कर देंगे। हमारी बैकअप सेटिंग हो गई है। आगे से इसी शेड्यूलिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक बैकअप स्टार्ट होकर गूगल ड्राइव पर सेव हो जाया करेगा। अब अगर आप तत्काल बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ बैकअप पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं बैकअप पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं बैकअप स्टार्ट हो गया है। मेरा व्हाट्सएप डेटा साइज लगभग 160 MB का है तो बैकअप में कुछ टाइम लगेगा। तो हमारा व्हाट्सएप बैकअप कंप्लीट हो गया है। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि इसे कैसे रिस्टोर करते हैं। पहले मैं अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये मैंने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया है। अब चलिए गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को रिस्टोर कर लेते हैं। व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अब एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डाल देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहां पर नंबर कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, अब ओके कर देंगे। चलिए मैं अपना 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूं। अब यहां रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैसेज रिस्टोर होने शुरू हो गए हैं। अब नेक्स्ट कर देते हैं। यहां पर अपना नाम डाल देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। व्हाट्सएप ओपन हो गया है। ये मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में मेरे जितने भी मैसेज थे और मीडिया फाइल थी वो सब वापस आ गई हैं। ये दूसरा ग्रुप है, इसमें भी सभी मैसेज और मीडिया फाइल वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने व्हाट्सएप का गूगल ड्राइव पर बैकअप लेकर कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की अपडेट न्यूज़ और टेक्निकल वीडियो अपलोड की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।